राष्ट्रीय एससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष पीएल पुनिया ने मंगलवार को गांव लालू में संजली के परिवार से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। पुलिस के खुलासे पर भी सवाल उठाए। मंगलवार की शाम पीएल पुनिया गांव लालू पहुंचे और संजली के पिता हरिंद से घटना की जानकारी ली। परिवार ने कहा कि वे पुलिस के खुलासे से संतुष्ट नहीं है, तो वहीं माँ अनीता ने इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार से ने सुरक्षा की भी मांग की है। संजली की घरवाले दहशत में है। उसकी बड़ी बहन अंजलि कॉलेज नहीं जा पा रही है। परिवार की सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं है, तो मां अनीता ने पीएल पुनिया से रो रो कर इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। अब जो कॉल मांगा फोटो ले लेना। जब मैं अचानक हूँ, कोई परेशानी नहीं होता। वहाँ तो मैंने सोच लिया कोई दो रोज चक्के हुए कुछ खाना रखने वाले, तो मैंने ऐसे सोच लिया आगे जाऊँगा देखभाल के चलेंगे स्वतंत्र रूप करेंगे। तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरे सामने और भी घटना हो सकती है, और वहाँ भी घटना हुई तो वो लोग लाल मोटरसाइकिल की दुआ देंगे। अब वही घटना कोई लाल मोटरसाइकिल की दुआ देंगे इसका बयान दे रही पुलिस चली गई। बड़ी बहन ने बताया है कि हमें उनसे शक था, तब आपके सामने उनका कांग्रेस सांसद और एससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष पीएल पुनिया ने लालू प्रकरण में पुलिस को जिम्मेदार बताया है। कहा है कि पुलिस ने आपराधिक कृत्य किया है। योगेश को पहले टॉर्चर किया गया, इसके बाद परिवार वालों को ही फंसा दिया गया। इस घटना से दलित समाज में आतंक का माहौल है। प्रदेश सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है। पुनिया ने बातचीत में बताया है कि पुलिस ने संजली हत्याकांड का केस फर्जी खोल रहा है। पुलिस ने योगेश को थर्ड डिग्री देकर टॉर्चर किया, उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। संजली के घर वाले भी दहशत में हैं, तो वहीं एससी आयोग के अध्यक्ष इसी जिले के हैं। इसके बाद भी देर से पहुँचे, आर्थिक सहायता भी नहीं दिलवा पाए। उप मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए तत्काल भिजवाने की बात कही थी, वह भी उनका जुमला साबित हुआ। उन्होंने दोनों पीड़ित परिवारों के एक एक व्यक्ति को नौकरी और संजली के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की मांग की है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं परिजन और पीएल पुनिया। चोप सिंह सक्सेना, हिंदुस्तान सीवी न्यूज, आगरा। ये आज जो आप जो पीड़ित परिवार से मिले हो और इन्होंने जो अपना दुख बताया, इस क्या इसके इन परिवार को न्याय मिला है? संजली बेटी वो जिन परिस्थितियों में जल के और जान दी है वो बहुत ही खेदजनक है, चिंता की बात है। एक आम नागरिक, गरीब आदमी
अपना सम्मान से जी नहीं सकता, अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। तो लानत है ऐसी सरकार के जो बैठे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आते हैं और कुछ घोषणा करके जाते हैं कि आर्थिक सहायता देंगे, उसके बाद कुछ अता पता नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन आते हैं, आयोग आता है, वो घोषणा करके जाते हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। जो पुलिस ने समाज के दबाव में, क्योंकि आंदोलन की घोषणा की थी, परिवार के ऊपर ही आरोप लगा के इतना घिनौना काम किया है, और एसएसपी खुद जो परिवार के लोगों को बेरहमी से पिटाई की है और कबूलवाने का दस्तखत ज़बरदस्ती कराए हैं, ये फर्जीवाड़ा का सही ढंग से पर्दाफाश तभी हो सकता है जब सीबीआई की जांच होगी। तो सीबीआई की जांच के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, और जो आर्थिक सहायता है हर हालत में इनको मिलनी चाहिए, जैसे कि अन्य परिवारों को भी ऐसी परिस्थितियों में मौत होती मिलता है वो मिलना चाहिए। ये नौकरी की भी, ये आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए था, ये जो अनुसूचित जाति एक्ट है, एससी एसटी एक्ट है, उसके नियम बने हैं, उसमें प्राविधान, हर चीज़ का प्राविधान है, लेकिन सरकार को सुनने को तैयार नहीं है, तो बाध्य होकर इनको करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियाँ बनाएंगे। सर, वो अंजलि बिटिया कह रही है कि मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ। हाँ, सुरक्षा का एक बहुत अहम मुद्दा है। अंजलि जो संजली की बड़ी बहन है वो बीएससी में पढ़ती है और 4 किलोमीटर दूर है, उसके ऊपर कभी ये हादसा हो सकता है, तो इसलिए दहशत में वो कॉलेज नहीं जा रही है, पढ़ाई छोड़ के घर बैठी हुई है। इसी तरह की बेटी की माँ है, उन्होंने कहा कि हम लोगों की सुरक्षा क्या होगा, हम घर से बाहर निकलें कि ना निकलें, निकलें तो किस सुरक्षा का इंतजाम किसी तरह का है नहीं। तो ये बहुत ही दुखद परिस्थितियाँ हैं जो इस यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस घटना से पहले जो बेटी के बाप हैं, पिता हैं, उनके साथ भी एक रात को घटना हुई, वो समझे कि चोर उचक्के होंगे तो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब ये एक दूसरे से जुड़ता है कि जो लोग वहाँ थे, इनके पिता के ऊपर हमला किया था, वही लोग हैं जो बेटी को जिंदा दिलाया है। तो ये एक सभ्य समाज के मुंह पे तमाचा है कि आज भी गरीब बहू बेटी है, बहन बेटी है, वो सुरक्षित हम नहीं रख पा रहे हैं।